अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आपके साथ क्या हुआ है और कौन शख्स था? अबरार खान था। क्या करा उसने आपके साथ? उसने सर वो मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार करता था। कहाँ रहता है ये अबरार खान? तोड़ी पे रहता है। अच्छा हाँ। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ मेरी शादी हो गई है, एक बच्चा भी है। आप इसके चुंगल में कैसे आए थे? इसने मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर से ब्लैकमेल करा था और बुलाया था। क्या बोला था? बोला था कि तू आ जा, मैं तेरे से शादी करूँगा, तेरे को बहुत अच्छी रखूँगा, तेरा पति अच्छा नहीं रखता है, और ऐसे कर कर के बुलाया था और मेरे से पैसे भी लिए थे इसने सर। अच्छा हाँ। आप इसके साथ वहाँ रहने चले गई थी? हाँ, फिर उसने मुझे बुलाया था, एक महीना दूसरी जगह कमरे से रखा था, फिर दूसरे बार एक महीने बाद इसने मुझे वहाँ इटावा रखा था। इटावा में इसके कोई भाई रिश्तेदार है, वहाँ पे रखा था। वहाँ पे भी वो लोग ड्रग्स का नशा धंधा करते हैं और वहाँ पे वो मांस वास भी खाते हैं, मटन वटन का पता नहीं, गाय का मांस खाते हैं। और खाने का बोला था मेरे को और मैंने नहीं खाया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहे थे तो मैंने नहीं खाया, तो मेरे साथ मारपीट करी और मेरे बच्चे के गर्दन पे चाकू रख के बोले कि ये खा नहीं तो इसको मार देंगे हम। अच्छा हाँ। और क्या करा आपके साथ? और हर बार मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश करता, मेरी ना मर्जी होने के बावजूद भी। और मेरे को ऐसा भी बोला कि और लड़कियां कांटेक्ट में हो तो लिया, मैं उनके साथ भी करूँगा। अच्छा हाँ। आपने किसी को कांटेक्ट करा था? नहीं सर, मेरे पास किसी लड़की का नंबर नहीं था। मैंने बोला ऐसा होता है क्या, एक लेडीज रखते हुए दूसरी का कॉन्टेक्ट दे, ऐसा नहीं होता तो मेरे को मारने दौड़ता, बोले ढूंढ के ला कोई भी लड़की को। हाँ। अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी हम शांतिपुरे में रहते हैं किराए से, और अभी तो मैं उसके साथ रह रही, अबरार खान के साथ। अभी कैसे आए आप थाने? अभी थाने आई, उसने रात को मेरे को मारपीट करी और मेरे बच्चे के साथ भी मारपीट करी। हाँ। और मेरे बच्चे को बेल्ट से भी मारा उसने, और मेरे बच्चे के सामने मेरा बलात्कार करना रोज का। अब आगे आप इस प्रकार से जैसे आज आपके साथ कृत्य हुआ, और किसी के साथ ना हो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उसके लिए मैं सब बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए। क्या है, धर्म परिवर्तन करा रहे थे आपसे? ये धर्म परिवर्तन भी करा रहे थे मुझसे, मेरा धर्म भी तुड़वा रहे थे मुझसे और जबरदस्ती करवाते हैं, और मेरे बच्चे के साथ भी वो खतना वतना करवा रहे थे। आपको पता है खतना क्या होता है? हाँ, वो बच्चे की मुंदरी काट देते हैं। आप हिंदू लड़कियों को किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हो? मैं हिंदू लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये इन लोगों के चक्कर जंजाल में ना फंसे, और ये लोग अच्छे नहीं है, ये बलात्कार करते हैं और ले जाते हैं चंगुल में फंसा कर, और अच्छा नहीं करते हैं, मेरी मरने जैसी हालत है। तो सब बहनों से मेरा यही निवेदन है कि मोमेडियन के चक्कर में नहीं फंसे तो अच्छा है। सब बहनों से मेरी यही विनती है।